The students of JKSSB Finance Accountants Assistant जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज के इस वीडियो में हम एक और टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन का डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, सम और टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी एक कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस की। इस वीडियो में भी हम कुछ टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज सिग्नम फंक्शन एंड अनदर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले हम सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। गिवन ए फंक्शन, डियर स्टूडेंट्स, गिवन ए फंक्शन एफएक्स इज सेड टू बी सिग्नम फंक्शन इफ कंडीशन डाली है फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज जस्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसको इस तरह डिफाइन कर लेंगे, से इट इज इक्वल टू वन के बराबर होगा इफ एक्स इज पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज जीरो, इट इज इक्वल टू माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। जब हमारे पास इस तरह कोई फंक्शन डिफाइन क्या होगा, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ सिग्नम फंक्शन। और इसका ज्योमेट्रिकल ग्राफ इस तरह है, रिमेंबर दिस पॉइंट, यहां पे ऑरिजन है, यहां पे टेकिंग दिस इज वन, दिस इज माइनस वन। इन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इसका ग्राफ इस तरह होगा, जीरो पे यही पे होगा और नेगेटिव के लिए यहां पे होगा, ये इसका ग्राफ है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ इज हियर रियल सेट, ध्यान में रख लेना। एंड रेंज ऑफ एफ कंटेन्स ऑनली थ्री एलिमेंट, दैट इज वन जीरो माइनस वन। क्लियरली द रेंज कंटेन्स वन जीरो माइनस वन, डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन इसका, गिवन ए फंक्शन, गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन इफ कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज लाइक दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजियर ऑफ एक्स। जब हम इस तरह इसको डिफाइन कर लेंगे, और इस तरह अगर इसको डिफाइन कर लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल जैसे होगी, यहां पे होगा माइनस वन, अगर एक्स हमारे पास होगा एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन लेस देन जीरो, एफ एक्स इज डिफाइंड एज जीरो व्हेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो लेस देन वन, इट इज इक्वल टू वन, वन इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन टू, इट इज इक्वल टू टू वायर एक्स इज टू इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन थ्री एंड सो ऑन। ऊपर भी इसी तरह होगा, जब आपके पास इस तरह फंक्शन डिफाइन किया होगा देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका जो ग्राफ होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन, सॉरी वो स्टेप ग्राफ होता है, इस तरह इसका ग्राफ होता है स्टेप्स में, इट इज जीरो वन टू इस तरह, यहां पे माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन, यहां पे भी सो ऑन। जीरो टू वन जब आपका होगा, जीरो से होके वन तक, तब जाके यहां पे इसका ग्राफ होगा। जब माइनस वन टू जीरो होगा, माइनस वन टू जीरो होगा, तब जाके हमारे पास ग्राफ होगा माइनस वन, यहां पे होगा इसका माइनस वन, यहां से होगा। इस तरह जब यहां पे वन से होके टू तक, वन से होके टू तक, उस वक्त हमारे पास वन होगा, तब जाके यहां पे ये इसका ग्राफ होगा, इसी तरह आगे भी जाएगा। इसी इस ग्राफ से इस फंक्शन का एक और नाम
दिया गया है दैट इज कॉल्ड द स्टेप फंक्शन, इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, डी ऑफ एफ डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज रियल सेट, एंड रेंज ऑफ एफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज ऑफ एफ में हमारे पास है माइनस वन करोगा यहां पे माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन, जीरो वन टू थ्री सो ऑन, दैट इज रेंज ऑफ एफ इज सेट ऑफ इंटीजर्स, रेंज ऑफ एफ इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इस तरह ये दो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी कुछ फायदा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।